वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं पंकज और साथियों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन एयरफोर्स एक्शन बाइक के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आपको नहीं पता है कि प्रैक्टिस सेट के जरिए से आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ। इस सेट के जरिए से अपनी प्रिपरेशन को देख सकती हो, आपकी क्या प्रिपरेशन चल रही है, और आपको नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के जरिए से प्रोवाइड होते हैं। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर मैंने काफ़ी कम क्वेश्चन लिए हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें मैं क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है साथियों, आपको रेगुलर बेसिस पर ये प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आप पहली बार आए हो चैनल पर, तो आप एक बार चैनल पर विजिट ऑन करके ज़रूर से देखें। वहाँ पर जाओगे तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि ये चैनल किसके रिगार्डिंग है। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं साथियों। अपना पहला क्वेश्चन आता है, प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हेकेटियस को प्राचीन भारत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मानव भूगोल के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रेटेजल हैं, जो मानव भूगोल के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उल्काओं की चमक घटना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल की। माओरी आदिवासी कहां पर पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड के अंदर। साथियों आपको पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स और नेवी के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो कि आपके वर्ल्ड लेवल, इंडिया लेवल के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन। इसके बाद और क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। आपको बता दिया मैंने अभी उल्काओं की चमक की घटना कहाँ पर होती है, तो ये आयन मंडल में होती है। माओरी आदिवासी कहाँ पर पाई जाती है? न्यूजीलैंड के अंदर। सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन। एस्किमो के बर्फ का मकान क्या कहलाता है? इग्लू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नीलगिरी पर्वत किसका उदाहरण है? तो बृहस्पत पर्वत का ये उदाहरण है आपका नीलगिरी पर्वत। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, बृहस्पत पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत उदाहरण है? तो ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। यहाँ पर यह क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत है, जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, भूकंपीय तरंगें पहले पता चलता है, यानी भूकंपीय तरंगें सबसे पहले कहां पर आती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदि केंद्र पर हैं, जो भूकंपीय तरंगें सबसे पहले आती हैं। साथियों आज की वीडियो में यही सारे क्वेश्चन थे मेरे पास। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा क्वेश्चन की संख्या आपके लिए बढ़ा दूँ। ठीक है साथियों, उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट ऑन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। ठीक है साथियों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।